शुरुआत एक सबटेरेनियन सेटलमेंट होल्डिंग से होती है। वहाँ पर वर्कर्स गार्डनिंग कर रहे थे, कुक कर रहे थे और खाना खा रहे थे। एक मशीन जॉम्बी को ग्राइंड करके सॉइल में मिला देती है। वहाँ मौजूद माइक से एक आवाज लगातार आ रही थी और वो लोगों को बता रही थी कि मौत ही उन लोगों की अगली जिंदगी के लिए तैयार करती है। एक जॉम्बी को वहाँ के हॉल के बीचों बीच आईवी पेड़ से बांधा हुआ था। एक वर्कर बहुत गौर से उस जॉम्बी को देखने लग जाती है। वो अपने पास मौजूद दूसरे वर्कर रिले को बताती है कि वो उस तरह से जॉम्बी को देखने की कोशिश कर रही थी जिस तरह से टैडी उन्हें कहा करता था। रिले उसे कहता है कि आखिरकार वो जॉम्बी को उसके नजरिए से देख पाएगी। उसी वक्त वहाँ का एलिवेटर डोर खुलता है। एल, एलिशा, ल्यूसियाना और वेस चारों ही एलिवेटर डोर से होते हुए अंदर आ जाते हैं। रिले उन लोगों का होल्डिंग्स में वेलकम करता है। एल को वहाँ पर लिखा हुआ मैसेज द एंड इज द बिगनिंग दिखाई देता है। वो वेस को इशारा करके बता देती है कि उन लोगों को इसी जगह की तलाश थी। रिले एलिशा के पूरे ग्रुप को इंटरोगेट करता है और वो उन लोगों के इंटरव्यूज को अपने लीडर टैडी को दिखाने के लिए रिकॉर्ड कर लेता है। रिले के लोगों ने एलिशा और उसके ग्रुप के वेपन्स ले लिए थे। एलिशा अपने इंटरव्यू के बाद उससे वेपन्स की डिमांड करती है। रिले एलिशा और उसके ग्रुप को क्लियर करता है कि वहाँ पर वेपन्स अलाउड नहीं है। एलिशा रिले को बताती है कि वो अपने पूरे ग्रुप के साथ सप्लाईज की खोज कर रही थी, तब वो लोग होल्डिंग्स के पेट्रोलिंग ग्रुप के सामने पड़ गए थे। रिले के पूछने पर वैस उसे बताता है कि वो एक ऐसी कम्युनिटी से आए हैं जहाँ पर वो लौटकर नहीं जाना चाहते। एलिशा और उसका ग्रुप रिले से उसकी कम्युनिटी के बारे में अलग अलग क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, लेकिन रिले उन सभी के क्वेश्चंस का आंसर देने से अवॉइड करता है। रिले एलिशा के ग्रुप को अपने होल्डिंग्स का टूर करवाने के लिए ले जाता है। वो उन लोगों को बताता है कि हर जीवित चीज को एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। रिले एलिशा और उसके ग्रुप को बताता है कि वो लोग अब फाइनली अपने गेट के दरवाजे को बंद करने वाले हैं जिससे कि किसी को भी बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। रिले एलिशा और उसके ग्रुप को लेकर आईवी पेड़ के पास पहुंच जाता है। वो उन लोगों को वहाँ मौजूद जॉम्बी को दिखाकर पूछता है कि उन लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। एलिशा रिले को बताती है कि उसे एक जॉम्बी दिखाई दे रहा है और वो उसे तुरंत ही मार देना चाहती है। रिले एलिशा की इस बात को सुनकर उसे कहता है कि टैडी जल्दी ही उसकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। रिले एलिशा के ग्रुप के हर मेंबर से वही क्वेश्चन पूछने लग जाता है कि उन्हें सामने क्या दिखाई दे रहा था। ल्यूसियाना को रिले का ये क्वेश्चन ट्रिकी लगता है। एल रिले से पूछने लग जाती है कि क्या होल्डिंग में रहने वालों के लिए इस सवाल का जवाब देना जरूरी है। वेल भी रिले को यही बताता है कि उसे सामने एक जॉम्बी दिखाई दे रहा है। वेस को वहीं पर एक म्यूरल पेंटिंग दिखाई देती है। वेस रिले से उस पेंटर के बारे में पूछता है और उसे बताता है कि उस पेंटिंग को देखकर उसे अपना भाई याद आ गया है। रिले वेस की बात को सुनता है और वो सभी लोगों से उन लोगों के सिब्लिंग्स के बारे में पूछता है। वेस रिले से पूछता है कि उसे उन लोगों की फैमिली में इतना इंटरेस्ट क्यों है। रिले उन लोगों को क्लियर करता है कि टैडी बिलीव करता है कि सर्वाइवल फैमिली से ही शुरू होता है। एलिशा रिले को अपनी मदर के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि उसकी मदर ने उन लोगों के ग्रुप को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। रिले तब उन लोगों को समझाता है कि एलिशा की मदर की डेथ थी उन लोगों के नए जीवन की शुरुआत थी। एलिशा का ग्रुप रिले की इस बात को सुनकर कन्विंस हो जाता है और वो लोग आपस में बात करके टैडी का ट्रस्ट जीतने के बारे में बात करते हैं। रिले उन लोगों को बताता है कि टैडी होल्डिंग्स में लौटकर आ चुका है। सभी लोग एलिवेटर के पास पहुंच जाते हैं। एलिवेटर का दरवाजा खुलता है। एक ग्रुप एलिवेटर से बाहर निकलता है, लेकिन टैडी उस ग्रुप के लोगों के साथ नहीं था। वेस को उस ग्रुप में अपना भाई डेरेक दिखाई देता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके गले लग जाता है। डेरेक वेस को बताता है कि वो एक जगह पर सप्लाईज को ढूंढ रहा था, लेकिन वो वहां पर फंस गया था और बेहोश हो गया था। डेरेक वेस को बताता है कि जब वो होश में आया तब वो होल्डिंग्स में था। वेस डेरेक से पूछता है कि टैड वहाँ पर क्या प्लानिंग कर रहा था। डेरेक वेस को क्लियर करता है कि अभी वो लोग टैडी की प्लानिंग जानने के लिए रेडी नहीं है। ल्यूसियाना अकेले में वेस को कहती है कि वो डेरेक को और ज्यादा इंटरोगेट करे। वेस उन सभी लोगों के सामने इंसिस्ट करता है कि डेरेक टैंक टाउन के ऊपर हमला करने वालों के बारे में नहीं जानता होगा। ल्यूसियाना वेस को वार्न करती है कि लोग जैसा दिखा करते हैं वैसा नहीं होते हैं। डिनर के समय वेस की अपने ग्रुप से मुलाकात होती है। वेस उन लोगों को बताता है कि डेरेक ने कोई भी सस्पिशियस बातें उससे नहीं की है। वेस को डाउट होता है कि वर्जीनिया इस ग्रुप के बारे में इतना डाउट क्यों कर रही थी और वो टैडी के लोगों को पैरानॉइड क्यों बुलाया करती थी। डेरेक तभी उन लोगों को डिनर पे ज्वाइन कर लेता है। थोड़ी देर बाद रिले डेरेक को किसी काम से बुला लेता है। एल उन सभी लोगों को सजेस्ट करती है कि उन लोगों को डेरेक के बंक को चेक करना होगा। एल वेस के साथ डेरेक के रूम को सर्च करने के लिए चली जाती है। एल को वहां पर बहुत सारे मैप्स दिखाई देते हैं।
एल वहाँ पर टैंक टाउन के कोऑर्डिनेट्स देखती है। उसे वहाँ पर और भी बहुत सारे सेटलमेंट्स के लोकेशन मिलते हैं। उन लोगों को वहाँ पर उन टाउन को डिस्ट्रॉय करने के कुछ एविडेंस भी मिल जाते हैं। वहाँ मौजूद कुछ मैप्स में एल को इसाबेल के ग्रुप की लोकेशन भी दिखाई देती है। वह इस बारे में डायरेक्ट से बात करता है और उससे पूछता है कि क्या उसके ग्रुप के लोग सेटलमेंट्स के ऊपर अटैक किया करते थे। डायरेक्ट वेस को बताता है कि द एंड इज द बिगनिंग का मतलब ही यही है कि उन लोगों को ऊपर मौजूद सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करना है ताकि वो लोग एक नई शुरुआत कर सकें। वेस डायरेक्ट को बताता है कि टैंक टाउन में उसकी जान जाते जाते बची थी। डायरेक्ट वेस को बताता है कि वो उसके टैंक टाउन में होने के बारे में नहीं जानता था। वेस डायरेक्ट को अपने साथ चलकर मॉर्गन की कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए कहता है। डायरेक्ट मॉर्गन का नाम सुनकर चौंक जाता है और वो वेस से वर्जीनिया के बारे में पूछता है। वेस डायरेक्ट को बता देता है कि वर्जीनिया मारी जा चुकी है। डायरेक्ट एलिशिया के ग्रुप के साथ लिफ्ट में चला जाता है। एलिशिया को डायरेक्ट के ऊपर डाउट हो जाता है। वो डायरेक्ट को अपनी कम्युनिटी ले चलने के लिए तैयार नहीं होती। एलिशिया अपने ग्रुप के साथ एलिवेटर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रिले उन लोगों को पकड़ लेता है। रिले एलिशिया और उसके ग्रुप को लेकर एक एनबाल्मिंग रूम में पहुंच जाता है। एनबाल्मिंग रूम जहां पर जॉबीज को प्रिजर्व किया जा रहा था। रिले उन सभी लोगों को मारने की धमकी देकर उनसे मॉर्गन का लोकेशन शेयर करने के लिए कहता है। वह समझ जाता है कि डायरेक्ट ने उन दोनों के बीच हुई बातें रिले को बता दी थी। डायरेक्ट रिले से परमिशन ले लेता है कि वो वेस को वहाँ की सच्चाई बताना चाहता है। रिले की परमिशन लेने के बाद डायरेक्ट वेस को लेकर उस आईवी पेड़ के पास बंधे हुए जॉम्बी के पास पहुँच जाता है। डायरेक्ट की बातों से वेस रियलाइज करता है कि उसे वेस के टैंक टाउन में होने के बारे में पता था। वो तुरंत ही डायरेक्ट के गन को लेने की कोशिश करता है। डायरेक्ट और वेस आपस में लड़ने लग जाते हैं। वेस डायरेक्ट को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसे तुरंत ही जॉम्बी के सामने फेंक देता है। जॉम्बी तुरंत ही डायरेक्ट को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। वेस डायरेक्ट के हेड में शूट करके उसे खत्म कर देता है। रिले और उसके ग्रुप को गनशॉट की आवाज सुनाई देती है। वेस रिले के पास आ जाता है और उसे अपने गन के निशाने पर ले लेता है। वेस अपने पूरे ग्रुप के साथ एक रूम से होते हुए बाहर निकलने लग जाता है। उस रूम के अंदर बहुत सारे जॉम्बीज छत से लटके हुए थे और सभी के अंदर उन्हें प्रिजर्व करने के लिए फ्लूइड भरा हुआ था। एल को वहीं पर एक जॉम्बी दिखाई देता है जो कि ब्लैक यूनिफॉर्म में था। एल तुरंत ही उसके मास्क को हटाकर चेक करने लग जाती है कि कहीं वो इसाबेल तो नहीं है। जॉम्बी एल के ऊपर अटैक करने लग जाता है। एलिशिया तुरंत ही उस जॉम्बी को मारकर उसका गला काट देती है। एलिशिया को उस जॉम्बी का गला काटने के कारण उसके अंदर भरा हुआ फ्लूइड जमीन के ऊपर गिर जाता है। एलिशिया अपने ग्रुप को तुरंत ही वहां से निकलने के लिए कहती है और वो उस रूम में आग लगा देती है। एल वेस और ल्यूसियाना तीनों ही वैली टाउन पहुंच जाते हैं और वो अपने ग्रुप के साथ होल्डिंग्स की बातों को शेयर करते हैं। वो लोग अपने ग्रुप को बताते हैं कि टैडी का ग्रुप कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा था। एलिशिया क्योंकि अभी तक होल्डिंग्स में ही थी, मॉर्गन एलिशिया को होल्डिंग से छुड़ाने के फेवर में था। एल और ड्वाइट आपस में बात करते हैं। एल ड्वाइट को बताती है कि उसे इसाबेल को भी टैडी के ग्रुप के बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए और उसे अलर्ट कर देना चाहिए। एलिशिया ने होल्डिंग्स में बहुत लोगों को मार दिया था। रिले अपने साथियों के साथ एलिशिया को पकड़ लेता है। एलिशिया रिले के साथ वाले आदमी को मार डालती है। टैडी तभी एलिशिया के सामने आ जाता है। टैडी एलिशिया को बताता है कि वो जिस चीज के ऊपर काम कर रहा था उसे एलिशिया ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, लेकिन फिर भी टैडी एलिशिया को क्लियर करता है कि वो उसे बचाना चाहता है। एलिशिया टैडी को कहती है कि वो बचने में इंटरेस्टेड नहीं है। टैडी एलिशिया को क्लियर करता है कि वो बहुत लंबे समय से एलिशिया जैसे ही एक पर्सन की खोज कर रहा था और अब उसे वो मिल गया है।